हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो चलो देखते हैं कि वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीजें हैं क्या आखिर में। तो चलो, एक वेव, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप वो वाला वीडियो देख लेना एक बार, अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि वो जरूरी है देखना। अब देखो, ये एक वेव थी। तो मैं पहले टाइम पीरियड की बात करता हूँ कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो अगर इस वेव को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वेव जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट कर रही है। तो उस वो पर्टिकुलर पैटर्न कहाँ से कहाँ तक है, वो देखो इस वाली चीज को वेव जो है बार बार रिपीट कर रही है। मुझे यहाँ पे ये चीज दिखाई दी, फिर ये वापिस दिखाई दी, फिर ये वापिस दिखाई दी। तो दोस्तों जो ये चीज है इसको कहते हैं साइकिल। तो ये एक पूरा एक साइकिल है, फिर ये दूसरा साइकिल है, ये फिर तीसरा साइकिल है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, अगर कोई पूछे टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, साइकिल क्या होता है, जो चीज बार बार रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। जैसे कि ये एक साइकिल है पूरा, यही रिपीट हो रहा है ना बार बार। तो ये एक क्या है, ये एक साइकिल है। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड होता है टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन साइकिल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि ये टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। अब एक और दूसरी चीज हमारे टाइम हमारे पास आती है, देखो क्या आती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखो फ्रीक्वेंसी को पहले तो लिखते कैसे हैं हम, फ्रीक्वेंसी को या तो हम एफ से डिनोट कर देते हैं या कभी-कभी हम इसको न्यू से डिनोट करते हैं। तो अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है कि एक सेकंड में, एक सेकंड टाइम, एक सेकंड में कितने साइकिल का फॉर्मेशन होता है। तो मान लो कि ये जो यहाँ पे कितने साइकिल दिखा दे रहे हैं, एक, दो और ये तीन। तो जो ये तीनों साइकिल हैं अगर एक सेकंड में बने हैं, तो अगर एक सेकंड में थ्री साइकिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्री साइकिल्स पर सेकंड है। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितने साइकिल बनते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में कितने साइकिल बन रहे हैं। अब देखो क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस फ्रीक्वेंसी का इस टाइम पीरियड से क्या लेना देना है। अगर मैं बात करूं कि आप मुझे यहां बताओ कि यहां टाइम पीरियड कितना लग रहा है, तो आपने देखा एक सेकेंड में थ्री साइकिल्स बन रहे हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन साइकिल। अब मेरे को वन साइकिल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको इस थ्री को क्या करूंगा, इस तरफ ले जाऊंगा और ये आ जाएगा वन साइकिल। तो वन साइकिल कितने सेकंड में बना, 1/3 सेकंड में। तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो दोस्तों ये थ्री था क्या, ये थ्री था फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि थ्री साइकिल्स बन रहे थे 1 सेकंड में, और जितने साइकिल्स बनेंगे 1 सेकंड में वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब भी मुझे टाइम पीरियड निकालना है मैं क्या कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी को 1 के अपॉन में लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, जो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम म्यू भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी होता है। तो दो चीजें हमने पढ़ी अभी, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल को पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने साइकिल्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, यहां पे हमने दो टर्म पढ़ ली। अब तीसरी टर्म आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन वेलोसिटी से पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, वो है एम्पलीट्यूड। देखो अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन होता है तो डेंसिटी बढ़ती है। तो जो डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है स्टार्टिंग में, तो क्या होता है, एयर पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप देखना उस वीडियो को। लेकिन जब मैं हिट कर रहा था फॉग को तो कंप्रेशन हो रहा था, और जहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा था इस वाले पॉइंट को कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट,
और इसको कहते हैं ट्रफ, जहां पे मिनिमम कंप्रेशन है, मतलब ये रेयर फ्रैक्शन का पॉइंट है, ये मैक्सिमम कंप्रेशन का पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। ये मीन पोजीशन से क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जो चीज मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, या जो चीज अगर मैं साउंड की बात करूं तो जो जहां पे कंप्रेशन लेवल सबसे ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन लेवल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखो इसके अलावा ना दो तीन चीजें और आती हैं, वेवलेंथ आता है हमारा, वेलोसिटी आती है। तो चलो उसको देखते हैं, वो वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और वो जो फॉर्मूला आया है ना कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी, वो कैसे आया है उसको देखते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या होगा कि अब मुझे ये देखना है कि वेलोसिटी क्या है वेव की। ये एक वेव थी, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी से, अच्छा मैं अगर अभी स्पीड लूं तो ज्यादा सही रहेगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का बचपन में, वो होता था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो अगर मैं आपको पूछूं कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर मेरे को डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो मैं स्पीड निकाल लूंगा। तो देखो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक का मुझे पता है टाइम, क्या होता है, यही तो होता है ना टाइम पीरियड, ये टी की वैल्यू मुझे पता है। तो मुझे यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा तो मैं डिस्टेंस की जगह ये डिस्टेंस रख दूंगा और टाइम की जगह ये टाइम पीरियड रख दूंगा और मेरी स्पीड आ जाएगी। तो दोस्तों जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस कवर बाय वेव इन वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो अब देखो दोस्तों हमें पता है ये वेवलेंथ डिस्टेंस कितना है हमारा, वेवलेंथ के जितना है, और टाइम कितना लगा हमें, टाइम पीरियड के जितना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, वेवलेंथ आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया हमारा, टाइम आ गया, ये टाइम आ गया। अब देखो ये जो वेवलेंथ है इसकी अगर कोई यूनिट पूछेगा तो क्या होगी, तो ये डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन वन साइकिल। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है और किलोमीटर होती है ना, लेकिन आप क्या बताओगे, मीटर। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है। अब देखो ये वेवलेंथ मुझे पता है, और इस वेवलेंथ को कैसे, देखो वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा से, इसकी यूनिट कितनी क्या होती है, मीटर होती है। अब देखो वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा हो गई, और टाइम कितना लगा इसको डिस्टेंस कवर में, टाइम पीरियड के जितना ही ना, एक पल्स एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड जितना। तो ये यहाँ पे कैपिटल टी आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वन अपॉन में टी क्या होता है, वन अपॉन में टी होता है फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लैम्डा मल्टीप्लाई एफ के। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, वेलोसिटी की जगह आप यहाँ पे स्पीड लिख लो, क्योंकि मैंने आपको स्पीड लिख के बताया अभी। ठीक है, तो ये होगी सारी की सारी वेव प्रॉपर्टी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, लाइट पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी में, तो काफी वेटेज है साइंस का। तो आपको उसके लिए अगर करना है प्रिपरेशन, तो आप अच्छे से इन एप्लीकेशंस को देखना। ठीक है, ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, इसके बाद जो एप्लीकेशंस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब अगली क्लास में देखते हैं लाइट वेव के बारे में, और वहां से स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर लाइट। ठीक है, थैंक यू।